मित्रों यार क्या हालचाल। अरे यार आज हालचाल को छोड़ो, इस दुल्हन की तरफ देखो, अपनी शादी में क्या मांग रही है। ये अपनी शादी में दूल्हे से पप्पी मांग रही है। बोलते हैं कि ऐसे माला नहीं डलवाऊंगी, पहले तू पप्पी दे सबके सामने, फिर माला डलवाऊंगी तुमसे। दूल्हा शर्मा रहा है, लेकिन दुल्हन बोलते हैं कि ना ना, पहले मेरी पप्पी लो, ये माला वाला बाद में देखते हैं। दूल्हा बेचारा क्या करता, उसने मजबूरी में सबके सामने ले ली पप्पी। यहाँ पर देखो अपनी शादी वाले दिन कुर्सी के साइड में बिठा ली कुतिया, और कुतिया को प्यार दुलार दे रहा है। इधर दुल्हन की तरफ देखो, गुस्सा हो रही है, बोल रही होगी कि अबे मुझ पर ध्यान दे, तेरी मेरे साथ शादी हो रही है, लेकिन अभी भी तुम्हें कुतिया को प्यार देना है। दुल्हन का चेहरा देखने लायक है। यहाँ पर दूल्हे की साली आई थी दूल्हे की आरती उतारने के लिए, और रसगुल्ला खिलाने वाली थी, लेकिन दूल्हे के मुंह में नहीं जाने दे रही। तभी साली जरा पीछे को देखती है, दूल्हे ने मौका पाते ही झटके से रसगुल्ला छीनकर खा लिया। दुल्हन भी हंसने लग गई, साली बहुत ही चलाक बन रही थी, लेकिन दूल्हा भी काफ़ी चलाक निकला। यहाँ पर शादी हो रही थी और दुल्हन ने देखो क्या कर दिया, माला को दूर से ही फेंक दिया। बेचारे दूल्हे का मुंह देखो कैसा हो गया। अबे दुल्हन ये क्या कर रही है हाँ, अगर तुमको शादी नहीं करनी थी तो घर से आई ही क्यों, पहले ही मना कर देती। अब देखो स्टेज पर कैसे कैसे कारनामे कर रही है। खैर छोड़ो दोस्तों, यहाँ पर देखो दुल्हन कैसे नाच रही है। अरे दुल्हन यहाँ पर तेरी शादी हो रही है, तो किसी और की शादी में नहीं आई। दुल्हन देखो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला नाच रही है, जरा सी भी शर्म नहीं कर रही। वैसे मित्रों ऐसे ही नाचना चाहिए अपनी शादी में, शर्म वरम गई तेल लेने, शर्माने से क्या ही हो जाएगा। ऐसे खुल्लम खुल्ला नाचना चाहिए और रिश्तेदारों के कच्छे फाड़ देने चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जितने भी इस दुल्हन के रिश्तेदार होंगे आपस में बातें कर रहे होंगे कि देख कितनी बेशरम लड़की है, कैसे नाच रही है अपनी शादी में। लेकिन दुल्हन ने तो कहर ढा दिया। तूफानी बनी हुई है तूफानी। यहाँ पर ये कौन सी रस्म है, दूल्हा और दुल्हन को यहाँ पर बिठा दिया और देखो कैसे घिसड़ते हुए जा रहे हैं। अबे पिछवाड़े मतलब कि कपड़े वपड़े नीचे से फट जाएंगे, दोनों के पिछवाड़ों में स्क्रैच पड़ जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं डर रहे। भले ही जितना मर्जी दर्द हो जाए, लेकिन घिसते हुए जाना है इनको, देखना कहीं खून ना निकलाए। बाकी तो चलो सब ठीक ही है। अरे रुको मित्रों, हर रोज शाम 4-5 बजे नई वीडियो देखने के लिए फॉलो कर लो सब्सक्राइब बटन को, खाड़ फेंको। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखो शादी में कौन से मेहमान आ गए, ये कौन सी बारात आ गई, यानी कि भेड़ बकरियां आ चुकी हैं खाना खाने के लिए, साला टेंट में ही घुसा दी। या फिर मित्रों ये भी हो सकता है कि यहाँ पर बकरा और बकरी की शादी की जा रही हो, और उन्हीं की बारात में ऐसे भेड़ और बकरियां आ रही हों। खैर यहाँ पर देखो मित्रों, यहाँ पर गिफ्ट पड़े हुए थे, तभी एक मुन्ने ने गिफ्ट उठा लिया। पीछे जरा मुन्ने की तरफ तो देखो, कैसे देख रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी ये बंदा गिफ्ट लेकर आ जाता है ऊपर, और वही गिफ्ट चोरी का गिफ्ट ही दूल्हा और दुल्हन को देखकर अपनी चोड़ कर ली, अपनी फ़ोटो खिंचवा ली। यहाँ पर मित्रों ये क्या हो गया दुल्हन को, लगता है कि दुल्हन ऐसी ही है या फिर ये कोई रस्म होगी। मित्रों क्या है आप नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी मित्रों हंसते रहा करो, फॉलो कर लो सब्सक्राइब बटन को, उखाड़ फेंको। हर रोज़ शाम 4-5 बजे आपको नई वीडियो मिल जाया करेगी। हंसते रहा करो।